कन्नड़ फिल्म स्टार दर्शन अपनी आने वाली फिल्म क्रांति की तस्वीर के दौरान इतवार की शाम सैकड़ों शायकीन के बीच फिल्म के एक गाने को लॉन्च करने के लिए जमा थे, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में दिखाया गया है कि भीड़ में से एक नामालूम शख्स दर्शन पर चप्पल से हमला करता है जो कि दर्शन के कंधे पर जा लगती है। इस नाजेबा हरकत से भीड़ काफ़ी मुश्तइल हो गई। कई मद्दाहों ने दर्शन पर हमला करने वाले शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। दर्शन कर्नाटक में मेनस्ट्रीम मीडिया के साथ अपने परेशान कुन ताल्लुकात पर पहले ही जद में हैं। दर्शन की ज़िंदगी के हर पहलू को जांच के दायरे में रखने के लिए मीडिया को बुरा भला कहते हुए एक फ़ोन पर बातचीत पहले भी वायरल हो चुकी थी। इस वाक़े के बाद कई सरकर्दा न्यूज़ चैनल्स ने क्रांति के तशहीरी प्रोग्रामों का बायकॉट किया था। इतवार के प्रोग्राम में बॉम्बे के उनवान से गाना रिलीज़ किया गया, जो फिल्म के म्यूज़िक एल्बम से रिलीज़ होने वाला दूसरा सिंगल ट्रैक है। पहला सिंगल ट्रैक धरनी था। दर्शन के अलावा फिल्म में रुचिता राम, रविचंद्रन और सुमालता भी हैं और ये जनवरी में सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। ನನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಮಾತು ಬೇಜಾರು. ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕಲಾವಿದರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಯಾವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇನು ಒಬ್ಬರು ಅಮ್ಮನ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಮ್ಮನ ರೀತಿ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಭಾವಿಸಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇನೆ ಒಂದೇನೆ.